गाड़ियों के जो टर्बो है बार बार क्यों उड़ते हैं, आज हम वो जानेंगे इस वीडियो में कि बार बार टर्बो शॉर्ट क्यों होता है या फिर बार बार टर्बो फेलियर क्यों होता है, और क्या जिस गाड़ी में बार बार टर्बो फेल होता है उसमें हम आंख बंद करके खाली टर्बो ही डालते जाए क्या? टर्बो फेल हो रहा है तो हम कारण समझेंगे टर्बो फेल क्यों हो रहा है। खाली टर्बो डाल देना कलाकारी नहीं है, टर्बो फेल क्यों हुआ वो कलाकारी है। इन्हीं सारी चीज़ों को बात करने वाले, तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगोंड, नोएडा भारत, और VW की बेंटो है, और ये सर है, इनका दो बार इनकी गाड़ी का टर्बो फेल हो चुका है। इधर दिखाओ जरा सर को, दो बार इनकी गाड़ी का टर्बो फेल हो गया और मिस्त्री टर्बो डाल तो रहे हैं पर टर्बो फेल क्यों हो रहा है ये नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा पास में आओ। टर्बो दो तीन कारणों से फेल होता है। एक जो मेन कारण है वो है लगातार गाड़ी को हाईवे पे चलाना, 800-1000 किलोमीटर बंद ही नहीं कर रहे हो, लगातार गाड़ी को चला रहे हो तो टर्बो सीज होने के चांसेज होता है। और मैंने एक लगातार गाड़ी कितना चलाएं उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि लगातार गाड़ी को कितना चलाना चाहिए। लगातार गाड़ी को बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो टर्बो सीज होने के चांसेज होते हैं। हो सकता है बहुत सारे गाड़ियों में नहीं होता हो, लेकिन कुछ परसेंट गाड़ियाँ हैं जिनमें सीज होने के चांसेज हैं, पहला। दूसरा चीज़ कि इंजन की जो ऑयल की सप्लाई है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं रहेगी, और सुबह के टाइम में हाई एक्सीलरेशन करते हैं तो टर्बो नाश होता है, क्योंकि टर्बो के पास ऑयल पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, 40-50 सेकंड। दूसरा, ऑयल की सप्लाई प्रॉपर ना हो तब टर्बो का नाश होता है। तीसरा जो सबसे मुख्य कारण होता है वो इंजन का बैक कंप्रेशर। कभी भी इंजन का बैक कंप्रेशर ज़्यादा हुआ तो गाड़ी के टर्बो सीज होंगे। स्टार्ट करो जरा टाइगर। कभी भी बैक कंप्रेसर ज़्यादा हुआ तो टर्बो सीज होंगे, और हमने इसका टर्बो बार बार सीज हो रहा है तो हमने सबसे पहले बैक कंप्रेसर चेक करना है। तो एक बार आ जाओ, बैक कंप्रेसर दिखाओ जरा, स्टार्ट करो जरा। ये मेन चीज़ें हैं, ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है। गाड़ी स्टार्ट हो गई, धुआं क्लियर कर देना जरा, थोड़ा दूर करो। ऑयल भी बाहर फेंक रही थी, ठीक दिखाओ, इधर दिखाओ, थोड़ा दूर करो ऊपर से, ये हाँ ये सुविधा रहता है। ये नहीं है, इधर दिखाओ जरा, बंद करो जरा सर, गाड़ी बंद कर देना। पीसीबी फिल्टर, बिल्कुल पीसीबी जो लाइन है, ऑयल सेपरेटर वाली जो लाइन है, पॉजिटिव क्रैंक केस से वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है, इसके बावजूद, उतना काम करने के बावजूद भी बैक कंप्रेशर की संख्या ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, टर्बो पे इफेक्ट करता है। जब भी बैक कंप्रेशर गाड़ी के अंदर ज़्यादा होगा तो टर्बो ख़राब होगा। इस गाड़ी का जो टर्बो दो बार शॉर्टेड हुआ है वो सिर्फ बैक कंप्रेशर की वजह से हुआ है। इनकी सप्लाई ठीक है ऑयल की, गाड़ी इतना आप लगातार नहीं चला रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ बैक कंप्रेशर ज़्यादा होने की वजह से टर्बो बार बार शॉर्ट हो रहा है। तो दूसरी बार था जो टर्बो शॉर्ट हो गया, चेंज भी कर दिया किसी ने, अब तीसरी बार मेरा नंबर था चेंज करने का, तो मैंने चेक किया, एक में फॉल्ट निकला, ये बैक कंप्रेशर बहुत ज़्यादा, तो अभी जो टर्बो डालेंगे वो फेलियर हो जाएगा। तभी इसका इंजन का काम होगा, पिस्टन रिंग का जो भी काम होगा होगा, उसके बाद टर्बो डालेगा तो उस टर्बो की लॉन्ग लाइफ ज़्यादा रहेगी। ऐसे में टर्बो डालते हैं तो मुझे लग रहा है 1500 किलोमीटर के बाद तुरंत फेल हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं चलना, क्योंकि जहाँ ऑयल का प्रेशर है ना वहाँ बैक कंप्रेशर घुस रहा है, तो जो बूस है ना उसके वो कटिंग कर देगा, ऑयल नहीं करेगा लेकिन जो बैक कंप्रेशर जाएगा वो कटिंग कर देगा बूस को और लूज हो जाएगा और टर्बो फेल हो जाएगा। अभी मैं चला के लेके बहुत ज़्यादा सीटी मार रहे हैं, यानी वो फेलियर हो गया। तो ठीक है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था आपको। ओके, थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।